अभी देख सकते हैं दोस्तों, लाइट कर चुका है हमारा घर। अभी अभी नागांती जी पटाखा छोड़ने वाली है, तो चलिए अभी इलाज करा लिए हैं। अल्ट्रासाउंड भी लिखा गया परसों हो। चलिए अभी जहाँ आना था उसी देर में पहुँचेंगे। इधर देख सकते हैं अभी कितना सुंदर। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल विजय विकास आकाश ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना था बिल्कुल मत भूलिए। और एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एक दो जगह दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे, हमारा भगवान जी से विनती है। और बेल घंटे भी प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखिए। बाप रे बाप, आते जाते लोगों को तारीफ मिल जाता है ना, तो एकदम दिमाग खुश हो जाता है। ऐसे जितना तारीफ मिला के आप लोग बहुत अच्छा काम किए। कल जो दीप जलाना है इतना सुंदर सजा दिए इतने ठंड में। आ देखिए अभी हाँ, अभी हम लोग दोस्तों आप लोग अभी तक कमेंट में नहीं बताया कि अच्छा ये तो वीडियो अभी गया ही नहीं है शायद ना जी। हाँ तो ये शूट कैसा लगा? अभी जा रहे हैं एक दो शॉर्ट वीडियो बनाए हमारा यूट्यूब फैमिली के पास तुरंत पहुँचे कि अब कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा और ऐसे ऐसे कमेंट ना करिए कि उनसे अच्छा भाभी लग रही है, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बस तारीफ करिए और अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी करिए हमारा, थोड़ा चैनल ग्रो करे तो बहुत हमें अच्छे से और भी रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी लोग बोले तुम साड़ी मत पहनो, सूट अच्छा लगता है। हाँ तो कोई नहीं, सूट ही पहनिए। देख सकते हैं हमारे मार्केट का मंदिर फूलों से कैसे सज चुका है और बाकी सारा काम कार्रवाई होना पूरी हुआ है। हमने आज चाय पी है। चलिए अभी आज भी ठंड ऐसी की ऐसी। अभी आए थे मिथुन के रूम पे, अब मिथुन गया है ना, तो शाम को आके यहाँ भी दीप जलाएंगे। देखते हैं दीदी बोला तो है कहीं रखा हूँ घर में, आज थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे। इधर देखते तो बड़े पापा ताला लॉक करके गए होंगे। चलिए अभी मैं भी चलता हूँ अपने रूम में। अभी देख सकते हैं इसके आधा घंटा पहले कितना थोड़ा सजा था, पूरा सजेगा, कहाँ कहाँ लग रहा है, बहुत अच्छा लग। जो दिखाए थे आपको वो राजघाट में हो रहा है, और भी दिखाएंगे कल चुके हैं आप लोगों को शहर कराने। तो और ना इधर का शहर आप लोगों को पहली बार भेज रहा हूँ, जो बहुत अच्छा लगेगा। फाइनली पहुँचे हैं बंजारी, देख किस कान से आए हैं भी बताएंगे आपको। चलिए अभी जहाँ आना था उसी देर में पहुँचेंगे। थोड़ा और टाइम लगेगा पहुँचने। अभी आए थे फाइनली शंभुनाथ सिंह का हॉस्पिटल, थोड़ा मम्मी का चेकअप हो रहा है, तो मम्मी बुलाई थी क्या हो? अभी गई है फिर हम लोग जाते हैं। Thank you.
थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि सुबह तो पर्ची लगा दिए थे लेकिन बहुत भीड़ है, तो नाम बुक रहेगा तो देखते हैं कब तक बुक रहता है। तो मैं सोचा थोड़ा आप लोग को ब्लॉगिंग करके दिखा दूँ जो अच्छा लगे, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा बहुत अलग फीलिंग होता है, समझ सकते हैं। आज ही का दिन होना था, कितना सोचे थे, कितना घर को सजाए थे कि दीप जलाया गया, मुझे लग रहा है इधर ही रात ना हो जाए। चलिए ना गांधी जी के चैनल में दिखेगा कितने अच्छे सजावट करे, और दूर आना था दोस्तों इसलिए ना गांधी जी को लेकर नहीं आया क्योंकि रात हो जाए तो फिर छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, दिक्कत होती। चलिए देखते हैं कब तक उनका नंबर आता है, कितना टाइम लगता है चेक कराने में, और उसके बाद दवा लिखेंगे, फिर दवा लेके चलेंगे घर। सकते कितना भीड़ लगा है। तो चलिए अभी इलाज करा लिए हैं, अल्ट्रासाउंड भी लिखा गया परसों होगा, ढेर सारा दवा भी लिया है। चलते हैं घर पे, फिर दीप जलाएंगे, और ज़्यादा कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना तो जोर शोर से जो भी बीमारी हो दूर हो जाए ना। बस चलते हैं, ढेर सारा इंजॉय करना है, कितने दिन से इंतज़ार किए थे लेकिन अभी तक फंसे हैं, 4 बज गया। चलिए चलते हैं। इधर देख सकते अभी आ गए, इधर क्या बना के रखी है, कहाँ की सर जी, दिया से। अच्छा दिया से, हाँ। अब चलिए दीप जलाएंगे, मैं मोमबत्ती ले कर आया हूँ, इधर बच्चे नहा धोकर एकदम रेडी हो चुके हैं, ये लोग गर्म कपड़ा पहने, इसी वजह से जैकेट नहीं पहने, अंदर गर्म। अभी देख सकते हैं दोस्तों लाइट कट चुका है, हमारा घर अभी दीप से एकदम उजियाला हो गया है। हाँ अभी घर में पूजा किए, बाहर अभी दीप नहीं जलाए हैं, घर में दीप टाइम से जला लिए थे। इधर बच्चे जो छठ पूजा में बचा था ना, नगांती जी बचा कर रखी थी छुपा के, अभी वही पटाखा बच्चों को दे दिए, और 2-3 में अभी खरीद के लाया हूँ। हाँ छोटा वाला चाचा इन लोग का दिया है खरीद के पटाखा। नगंती जी दीजिए दीप जला के मैं बाहर रखूं, पूरा गांव भर में रखा गया। आपके लिए तो वो छुरछुरी लाए नहीं, किचन में भी रखी चालू, और किचन में जय हो माता रानी, जय श्री राम, जय हनुमान, सबको खुशियाँ, जीवन में हमेशा सुख शांति मिलते रहे, हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे। और हमारा भी ये देखिए बाप रे, ए जाओ बाहर छोड़ छोड़ छोड़ो, पूरा घर में वो प्रदूषण फैलेगा। हाँ उसमें बारूद है ना,
चलिए अभी दीप, ये देखिए एक किचन में रखा गया, एक कॉल पे रखा गया, अभी जा रहा है। ये अब इसमें अच्छा चलो वो मम्मी आती है तो यहाँ दीप से ना राम जी राम लिखाया हुआ है, अभी ये जलाएंगे तो देखते हैं कैसा अच्छा लगेगा। इधर देख सकते हैं हमारा मेहनत आज सफल हो गया, दीप जलाने के लिए इतना सुंदर बनाए थे। चलिए एक लाइन से उधर रखो बेटा, यहाँ पे और भी मोमबत्ती लाओ, 12 पीस लाया था ले आओ। चलिए और मोमबत्ती सजाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे लुक सपनों का घर का। और लाइट कट चुका है दोस्तों, क्योंकि ना ट्रैक्टर पे डीजे बांध बांध के चारों खूब धूम मचा रहे हैं, तो इसीलिए कहीं कहीं देहात में समझ सकते हैं तार बिजली का नीचे नीचे है ना, तो इसीलिए लाइट काट दी है किसी करंट ना लग जाए। ये देखिए दीप का लुक देख सकते हैं दोस्तों, वाइट वाइट व्हाइट हाउस में वाइट वाइट दीप। आई देखिए ये कौन सी ड्रेस पहनी है जी, शादी वाला है क्या? चलिए सही है, चलिए दीप में तेल डाल के जला लेते पहले, उसके बाद लुक दिखाएंगे आपको। बाप रे ला पड़ाखा। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर जला दिए हैं दीप, पेड़ पे भी लगा दिए हैं मोमबत्ती, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए लुक दीप से ना, ये देखिए राम लिखी है, हाथ से दीप बनाया है ना, तो थोड़ा अलग तरीका का जल रहा है, इसीलिए मोमबत्ती भी लाए थे। चलिए चलिए अब बनेगा। अभी नागांती जी पटाखा छोड़ने वाली है, आ इधर देखिए कौन सी पटाखा लाई थाली में। हाँ चलिए अभी अब मैं इधर रखा हूँ, आकाश का ले लिया हूँ। आकाश किधर है? ये देखिए आकाश का नहीं है, विकास का है, विकास के है। और है ना थोड़ा सा? हाँ दे देना, तो दोनों भाई ले लेंगे उसमें। हाँ इधर देख सकते हैं अभी चुड़ी चुड़ी। कितना सुंदर लग रहा, 10 वाला है ना इसीलिए इतना। विजय पापा कैसे पड़ाका भड़का रहे हैं जो बच्चों जैसे, देखिए देखिए मोबाइल गिर जाए हाथ आवाज भागी भागी भागी। ठंडा है ना तो कोई सूखा नहीं है इसीलिए। सब देखिए कितना दूर भाग गए हैं, तो भागूंगा नहीं, और वहाँ जाने में भी डर लगे। ये थी है ना ठंडा से सब मेहरा गए हैं, इसी वजह से नहीं भड़क। आज जो छठ पूजा में आया था ना उसमें से बचाए थे और 3 पैकेट में ले आया था, 20 रुपया का एक दिए तो 20-60 रुपया का ये भर। तो चलिए दोस्तों आज की दिन सब के लिए कितना खुशियों का दिन है, हम लोग तो अपने खुशियों में ढेर सारा अपने घर को भी सजाए हैं। कैसा लगा है आज की वीडियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर भी करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो इतना मेहनत करेंगे, आज ठंड में बहुत जगह गया, बहुत कुछ काम भी था इसलिए, और टाइम निकाल के ब्लॉगिंग भी किया जो हमारे यूट्यूब फैमिली को अच्छा लगे। तो ज़रूर कमेंट द्वारा बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं, मुझे विश्वास है कि एकदम अच्छा लगा होगा। तो अभी नागांती जी को भी साथ में लेके गया होता ना तो कुछ और बातें करने की, अच्छे अच्छे जगह की सैर करने की अलग लगता, क्योंकि अकेले ब्लॉगिंग करने में थोड़ा हम ये सोच नहीं गए कि घर भी सजाना था, घर भी लिपना था। तो ठंड में भी बच्चों को छोड़ कर मेरे को लेट हो गए आते आते, लेकिन चलिए अकेले जितना मेरे से बना मेरे अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा बनाया हूँ, और बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि कैसा लगता है।
तो चलिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करिएगा, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। भगवान जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारा ऑल यूट्यूब फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।